अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय किचन चंदा कुक हाउस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। गाइस, आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है जो कोरियन बीन्स। कोरियन बीन्स की रेसिपी बनाएंगे और बहुत ही मज़े की रेसिपी बनने जा रही है, डोंट स्किप। और आपने ज़रूर देखनी है, पूरी रेसिपी देखिएगा और सारे स्टेप फॉलो कीजिएगा। बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपी है। तो चलिए रेसिपी के इन्ग्रीडियंट्स की तरफ चलते हैं। तो गाइस, ये हमारी रेसिपी की चीज़ें ज़रा आप नोट कर लें। सबसे पहले तो हमारे पास एक दर्जन विंग्स हैं, ठीक है। ये विंग्स इस तरह है हमारे, ठीक है। इनको हमने पानी और सिरका डाल के इनको हमने डिप कर दिया था। उसके बाद तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद हमने इसको इनको निकाला और इसको अच्छे से हमने फिर इनको हमने वो स्ट्रेन होने के लिए रख दिया था और इनका पानी बिल्कुल निकल चुका है, ठीक है। और ये विंग्स हो गए। इसके साथ जो इसके अंदर मसाले जाएंगे उसमें जी हमारे पास है 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून वाइट पेपर और 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, ठीक है। तो आप चाहे तो वो गार्लिक पाउडर भी ले सकते हैं, जिंजर पाउडर भी ले सकते हैं, दोनों में से जो भी आप ले, अच्छा टेस्ट आता है दोनों का। और उसके साथ हमारे पास 3 से 4 क्लोव्स थे लहसुन के, जिनको हमने बारीक बारीक कट कर लिया, ठीक है। और हमारे पास जी मस्टर्ड पेस्ट है और ये भी इसके अंदर जाएगा। ये अभी हम सारी चीज़ें जब डालेंगे तो आपको बता देंगे। इसके साथ हमारे पास ये मैदा है, मैदा तकरीबन हमारे पास 6 टेबलस्पून है और इसके अंदर 4 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे, ठीक है। ये देखें, 4 टेबलस्पून हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल रहा है। 1, 2, 3 और ये हो गया 4, ठीक है, ये हो गया। और इनको हम अच्छे से ऐसे करके मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें हो गई और अब जी ये सारी चीज़ें हम इसमें चिकन में ऐड करेंगे, ठीक है। और इसके अंदर जो नमक जाएगा वो एज पर योर टेस्ट जाएगा, ठीक है। ये देखिए जितना आपने नमक तो मैं बता नहीं सकती कि इतना डालें, क्योंकि कुछ लोग तेज़ खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, तो वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप नमक डालें इसके अंदर, ठीक है। ये हमने डाल दिया। और इसके अंदर हम तकरीबन 2 से 3 टीस्पून हम ये डालेंगे मस्टर्ड सॉस। ये देखिए, ये 1 टीस्पून और ये 2 टीस्पून, ठीक है। ये हमारा डल गया और अब हम इसको करेंगे हाथ से मिक्स, क्योंकि ये चम्मच से तो मिक्स होने वाला नहीं है, ये हाथों से मिक्स होने वाली चीज़ है। इसको हाथ से मिक्स करके हम तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आगे हमने नेक्स्ट क्या करना है। ओके गाइस, 10 से 15 मिनट हमारी इसको हो गए। ये हमने जो इसको वो मैरिनेट करके रखा था, ठीक है। अब हम इसकी कोटिंग हमने जो तैयार की है, ये कॉर्नफ्लोर और उसके साथ मैदे के साथ, ठीक है, कॉर्नफ्लोर और मैदा है, ठीक है। इसमें हम ये इसको अच्छे से कोट करेंगे। इसकी कोटिंग एक ही दफ़ा होगी, बार बार नहीं होगी, ठीक है। ये अच्छे से हमने इसको कोट कर लेना है ऐसे। बहुत ही मज़े के कोरियन विंग्स अक्सर हम लाते हैं बाज़ार से, तो खुद घर में बनाएं तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। गाइस, ये जो हमने कोटिंग की थी इनको हमने 5 से 6 मिनट के लिए तलना है, फिर हमने इनको बाहर निकाल लेना है। फिर उसके बाद ये थोड़े ठंडे होंगे, फिर हमने दोबारा 3 से 4 मिनट के लिए इनको तलना है, ठीक है। ये अभी हम तल रहे हैं इनको, 5 से 6 मिनट हम इनको तलेंगे, फिर उसके बाद निकाल लेंगे, फिर ठंडे होंगे, फिर दोबारा से इनको तला जाएगा, ठीक है। ये हमने डाल दिए इसके अंदर, ये पाँच से छः मिनट को तलते हुए हो गए हैं। हमने मीडियम आंच पे इनको तला है, ठीक है। और अब हम इनको निकाल रहे हैं, अभी ठंडे होंगे 3 से 4 मिनट के लिए इनको दोबारा तला जाएगा, ठीक है। हम इसका चूल्हा बंद करते हैं कि जरा हमारे विंग्स ठंडे हो जाएं। हम इनको दोबारा तल रहे हैं, ठीक है। ये हमारे विंग्स ठंडे हो गए थे, ये देखें,
अब इनको 3 से 4 मिनट के लिए हम दोबारा इनको इसके अंदर करेंगे। बहुत ही ईजी और क्विक रेसिपी है, तो बच्चा भी बना ले ये तो, लेकिन मेरी बेटियां नहीं बनाती, इनको कोई शौक नहीं है किचन में आने का। ये मैं विंग्स फ्राई कर लेती हूँ, फिर बाद में आपसे मिलते हैं। बस इनको 3 से 4 मिनट इसी तरह फ्राई करना है, फिर हम निकाल लेंगे। मैं निकालते हुए आपको दिखाऊंगी कि इनकी शक्ल कैसी होगी। इसको करके निकाल ली, ये देखिए अब इनका कलर थोड़ा गोल्डन हो गया है, तो अब हम ये हम निकाल लें, फिर हम इसका वो लिक्विड तैयार करेंगे जो इसका हमने वो मैरिनेशन जो है उसके लिए करना है, कोरियन रेसिपी जो हम बना रहे हैं। प्यारे लग रहे हैं ये, इस तरह के खाली भी बड़े मज़े के लग रहे हैं, क्यूट लग रहे हैं। फातिमा ने खा के देखा है अभी, बड़े मज़े के। चलो 1 से 2 टेबलस्पून हमने इसके अंदर ऑयल डाला है थोड़ा सा, ठीक है। अब इसके अंदर जो क्लोव्स थे हमारे 2 से 3, एक तो ये लाइट गिरने लगी थी अभी, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। हल्का सा सोते करेंगे इसको। ये हम कोरियन सॉस बना रहे हैं विंग्स के लिए, लाइट सा गोल्डन करना है हमने इसे, ठीक है। अब आंच को हम थोड़ा हल्का रखेंगे, हमने उसी कढ़ाई को धो के यूज़ कर रहे हैं हम। अब इसके अंदर हम डालेंगे जी से 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर चिली सॉस डाल देंगे, 3 टेबल स्पून हमने डाला, ठीक है। अब इतना ही हम इसके अंदर सिरका ऐड करेंगे, साथ ही हम इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर सोया सॉस ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे, और 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। टू से थ्री टेबलस्पून हम इसके अंदर ये केचप ऐड करेंगे, कनोर का, ये सादा वाला केचप है, ठीक है। ये टमाटो केचप है कनोर वालों का, ठीक है, सादा केचप। और इसमें तकरीबन 1 1.5 टीस्पून हम इसके अंदर हनी ऐड करेंगे, ठीक है। ये ऐड कर दिया, ये हो रहा है, ठीक है, थोड़ा पक गया। अब हम इसके अंदर ये सारे विंग्स ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े के कोरियन विंग्स बनेंगे ये, ठीक है। वी विल ट्राई के सारे मैरिनेट हो जाए, कोटेड हो जाए इसके अंदर, ठीक है। गाइस 2 से 3 मिनट के लिए तकरीबन हमने इसके अंदर इसको करना है,
ये मैरिनेट हो जाए अच्छे से। ये देखो बहुत ही मजे के कोरियन बीन्स बनते हैं ये इस तरीके से। ये अगर आपको हमारी रेसिपीज अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, हमारे चैनल को शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिलती रहे। ये देखें ये हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम करेंगे चूल्हा बंद। ये देखिए विंग्स हमने निकाल ली हैं डिश में और इसके ऊपर हम ये तिल छिड़केंगे हल्के हल्के से। ये देखिए जी हमारे ये कोरियन विंग्स रेडी हो गए हैं। कितनी इजी और आसान रेसिपी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वॉच करें, लाइक करें और इसके साथ ही मुझे नुसरत नीम के चंदा को खाओ से इजाज़त दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।